नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जीनत अमान अपने जमाने की सबसे सफल और बेहतरीन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल रही हैं। उनकी गिनती 70 के दशक की सबसे ग्लैमरस और सबसे ज्यादा फीस पाने वाली अभिनेत्रियों में होती थी। जीनत ने मॉडलिंग के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी और 19 साल की उम्र में उन्होंने ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया और वो फेमिना मिस इंडिया और मिस एशिया पैसिफिक का खिताब अपने नाम उन्होंने किया। इसके अलावा कई मैगजीन के कवर पर भी वो दिखाई दी। देखिए ये रिपोर्ट। जीनत अमान ने 70 के दशक में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म द एविल विदिन जो साल 1970 में रिलीज हुई थी। इसके बाद साल 1971 में उनकी पहली हिंदी फिल्म हलचल रिलीज हुई थी, जिसमें उनके अलावा प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी और कबीर बेदी जैसे एक्टर्स थे। इसके बाद उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। जीनत अमान ने हरे रामा हरे कृष्णा, यादों की बारात, रोटी कपड़ा मकान, अजनबी, कुर्बानी, इंसाफ का तराजू, पुकार, डॉन, धर्मवीर, धुंध, दोस्ताना, डार्लिंग डार्लिंग, हम किसी से कम नहीं, लवारिस और चोरी मेरा काम जैसी फिल्मों में शामिल रही। जीनत अमान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रही थी। संजय कपूर से की थी पहली शादी। जीनत अमान की पर्सनल लाइफ बहुत उतार चढ़ावों से भरी रही। उन्होंने 2 शादियां की और पहली शादी की एक्टर संजय खान से, जो न केवल पहले से शादीशुदा थे बल्कि उनके बच्चे भी थे। संजय जीनत को पसंद तो करते थे लेकिन शादीशुदा होने की वजह से शादी की बात से हमेशा इनकार करते थे। जीनत के कहने पर 1978 में दोनों की शादी तो हो गई लेकिन जल्द ही उनका रिश्ता बिगड़ने लगा और उनके बीच लड़ाइयां होने लगी और बात हाथापाई तक पहुंच गई। पिटाई से खराब हुई थी जीनत की आंख। जानकारी के मुताबिक संजय खान ने जीनत अमान को एक बार इतना पीटा कि उनकी एक आंख खराब हो गई थी। दरअसल संजय ने जीनत को कॉल कर कहा कि उन्हें एक फिल्म के बारे में उनसे बात करनी है, जिसे लेकर दोनों एक होटल में मिले। यहां संजय ने जीनत को इतना पीटा कि उनकी एक आंख खराब हो गई। उस दौरान संजय की पहली पत्नी जरीन खान भी वहां पर मौजूद थी और उनके सामने ये पूरा वाक्य हुआ। इसके बाद 1979 में दोनों की शादी खत्म हो गई थी। वैसे जीनत अमान को हमेशा से अलग कुछ कर गुजरने की चाह रही है। कई साल पहले खबर आई थी कि जीनत अमान 60 साल की उम्र में भी शादी करने जा रही हैं, जिस खबर को उन्होंने सच भी बताया था पर अपने होने वाले जीवन साथी के नाम का खुलासा नहीं किया था। जीनत अमान की जिंदगी में 70 के दशक में कुछ ऐसे बेहतरीन पल आए जब उन्हें तकरीबन हर फिल्म गैर फिल्मी मैगजीन के कवर पेज पर देखा जाता था। फिल्मी सफलता के साथ साथ जीनत का सामना विवादों से भी हुआ। कई फिल्मों में बोल्ड सीन देने की वजह से उनकी फिल्म इंडस्ट्री में काफी आलोचना हुई थी। जीनत ने बीआर चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म इंसाफ का तराजू में काफी बोल्ड सीन्स दिए थे, जिसके चलते ये फिल्म विवादों का हिस्सा रही थी। इस फिल्म में राज बब्बर, पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी काम किया था। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम भी जीनत अमान के लिए खास फिल्म रही है। जीनत अमान अपने नाम के आगे अमान लगाती हैं, इसके पीछे का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल उनके पिता का नाम अमानुल्लाह खान था, जो फिल्मों में बतौर स्क्रिप्ट राइटर काम किया करते थे। को राइटर के तौर पर उन्होंने मुगले आजम और पाकिजा जैसी खूबसूरत फिल्में लिखी थी। जब जीनत अमान 13 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था। इस घटना के बाद जीनत ने अपने पिता का शुरुआती नाम अपने सरनेम में लगाना शुरू कर दिया और वो जीनत अमान बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉल इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉल इंडिया।